हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गगनदीप सिंह रावत है। मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक एम्प्लॉय डेटाबेस बनाएंगे। इस यूज़र फॉर्म में मैंने डिफरेंट टाइप के कंट्रोल बटन लिए हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, डेट पिकर, ऑप्शन बटन, स्पिन कंट्रोल, कॉम्बो बॉक्स और इमेज बॉक्स। इस यूज़र फॉर्म को क्रिएट करने से पहले मैं आपको दो एंट्रीज करके दिखाऊँगा, सो दैट कि आपको ये पता चल जाए कि ये जो सबमिट बटन, क्लोज बटन, सर्च बटन और ये ऐड बटन है, इनका क्या फंक्शन है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए मैं आपको दो एंट्रीज पोस्ट करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इस यूज़र फॉर्म को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट एंट्री मैंने पोस्ट की है, पोस्ट करने वाला हूँ। जैसे मैं सबमिट बटन करूँगा तो वो जो डेटा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए एक्सेल शीट में। फॉर्म, यूज़र फॉर्म को मैं क्लोज करता हूँ। तो ये देखिए, ये जो एंट्री जो मैंने अभी डाली थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आकर के पोस्ट हो गई है। एक और एंट्री करता हूँ, फिर उसके बाद हम डेटा सर्च करेंगे विद नेक्स्ट और प्रीवियस बटन। जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो एंट्री जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो एंट्रीज मैंने यहाँ पे पोस्ट की थी, वो सक्सेसफुली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है। तो अभी अगर हमको कोई रिकॉर्ड सर्च करना है तो यहाँ पे हम एक यूनिक एम्प्लॉय नंबर डालेंगे जो कि हमारा 1001। और सर्च पे क्लिक करूँगा तो ये जो एंट्री है ये वाली, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होनी चाहिए। देखिए, जैसे ही मैंने सर्च बटन पे क्लिक किया तो फ़ोटो के साथ मेरे सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली यूज़र फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो गए हैं। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो 1002 रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। ये देखिए, अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो 1003, नेक्स्ट बटन प्रेस करता हूँ तो 1004। अगर मेरे को प्रीवियस कोई रिकॉर्ड चेक करना है तो प्रीवियस बटन पे क्लिक करूँगा। ये देखिए, और देखिए जब जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया था, सॉरी सर्च बटन पे क्लिक किया था, तो ये जो सबमिट और जो ऐड फोटो है ये मैंने डिसेबल कर दिए थे, सो दैट के अगर ये बटन यहाँ पे एक्टिव होते, अगर कोई गलती से इसको सबमिट बटन कर देता तो वो जो रिकॉर्ड है 1002, वो नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो 1002 पे आ जाता, जो कि
गलत एंट्री है। चलिए एक ट्राई करते हैं कि यहाँ पे मैं रॉन्ग एम्प्लॉय नंबर डालता हूँ, फिर देखिए क्या होता है। ये मैंने कोडिंग की हुई है कि अगर कोई, अगर मैंने रॉन्ग एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे फिल किया है और उसको सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मेरे को सिस्टम में एक मैसेज बॉक्स जनरेट करेगा कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड एम्प्लॉय नंबर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस यूज़र फॉर्म को क्रिएट करना। इस यूज़र फॉर्म को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेल में ये डेवलपर टैब जो है वो इनेबल करनी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो अर्लियर वर्जन है, जैसे 2007 है या 2010 है, उनमें में भी डिफरेंट प्रोसीजर हो इसको एक्टिवेट करने का, बट 2013 में मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप कैसे इनेबल कर सकते हैं। आपको फाइल पे जाना है, ऑप्शन बटन, कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे आपको डेवलपर टैब जो है वो टिक करनी है। टिक करने के बाद इसको ओके प्रेस कीजिए तो ऑटोमेटिकली जो जो डेवलपर टैब है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। यूज़र फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। अगर आप इसको क्लिक नहीं करना चाहते तो इसका शॉर्टकट है Alt F11। चलिए हम एक नया यूज़र फॉर्म क्रिएट करेंगे। इसको हमने यूज़र फॉर्म, इसका ऑटोमेटिकली जो नेम है वो यूज़र फॉर्म 2 आ गया है। इसको आप ऐसे रिसाइज कर सकते हैं। टूल बॉक्स जो है वो आप यहाँ से लेकर आ सकते हैं, टूल बॉक्स, या फिर डिफरेंट टाइप के हमारे पास कंट्रोल होते हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में सिर्फ लिमिटेड ही कंट्रोल बटन्स यूज़ किए हैं। प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि जो इस यूज़र फॉर्म को क्रिएट करते हुए मैंने कंट्रोल्स बटन नहीं लिए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में उनको यूटिलाइज कर सकूँ। चलिए लेबल्स यहाँ से ले लेते हैं। ये हमारा लेबल कंट्रोल है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स, ये कॉम्बो बॉक्स, ये चेक बॉक्स, ये ऑप्शन बटन और ये स्पिन बटन। फिलहाल इस यूज़र फॉर्म को क्रिएट करते हुए या इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही कंट्रोल बटन्स को यूज़ करेंगे। इन लेबल्स को आपको अलाइन करने के लिए आपको क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए और आप जाइए फॉर्मेट, अलाइन, जैसे भी आपको ठीक लगे, लाइक लेफ्ट राइट वो आप कर सकते हैं। इन लेबल्स को रीनेम करने का प्रोसीजर हमारे पास, या तो हम एक सिंगल क्लिक करें तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं। या फिर हम राइट क्लिक इनकी प्रॉपर्टीज़ और जो भी हम यहाँ पे कैप्शन में लिखेंगे वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी इसका नेम रखा, नेम दिया है मैंने, एम्प्लॉय नंबर, यहाँ पर आकर इसको आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से हटूँगा तो वो ऑटोमेटिकली वन जो है वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
दो और लेबल चाहिए मेरे को यहाँ पे, ब्लड ग्रुप एंड ईमेल एड्रेस। इनको हम एक बार फिर से अलाइन कर लेते हैं। अब एम्प्लॉय नंबर पे हमको चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, नेम पे भी हमको टेक्स्ट बॉक्स ही चाहिए। इसको थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि ये जो इस फील्ड में जो है वो हमारा नेम आएगा। डेट ऑफ बर्थ में हमको डेट पिकर चाहिए, ये वाला, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता है, इसको आपको इनेबल करना पड़ता है। इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में राइट क्लिक कीजिए, एडिशनल कंट्रोल में जाइए और आपको इसको सिलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट डेट एंड टाइम पिकर कंट्रोल 6.0। तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो इस टूल बॉक्स में अपेयर हो जाएगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए यहाँ पर, जो जेंडर है वो हमको लेना है ऑप्शन बटन में। एज के लिए भी हमको टेक्स्ट बॉक्स, प्लस स्पिन बटन भी ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा डेटा है उसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं स्पिन बटन के साथ। ये जो ब्लड ग्रुप है इसको हम लेंगे कॉम्बो बॉक्स में, ये वाला। कॉम्बो बॉक्स का ये बेनिफिट होता है कि आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन में से ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमको चाहिए इमेज बॉक्स, अब हम लेंगे कमांड बटन, सर्च, सबमिट, ऐड फोटो और नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए। कमांड बटन वन जो है वो होने वाला है सबमिट बटन। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे जो हमारा रिकॉर्ड हमने फिल किया है वो एक्सेल शीट में जा कर के सेव हो जाएगा। ये बटन होगा इस यूज़र फॉर्म को क्लोज करने के लिए, इसको नाम देंगे क्लोज बटन।
ये होगा हमारा सर्च बटन। सर्च बटन के लिए हमको एक और बटन चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें कि हम डेटा जो है वो एम्प्लॉई नंबर जो है वो डालेंगे और सर्च बटन दबाएंगे, सो दैट कि जो यूज़र फॉर्म है वो सारे डेटा को रिफ्लेक्ट करे अपने यूज़र फॉर्म पे। ये हो गया हमारा नेक्स्ट बटन। और ये प्रीवियस बटन। एक और बटन हमको लेना है ऐड फोटो के लिए। पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं जहाँ पे हमारा एम्प्लॉय नंबर जो है सर्च होगा। अब इनको एक साथ में अलाइन कर लेते हैं। एक लेबल बटन और लेना है हमको यहाँ पे कंपनी नेम डिस्प्ले करने के लिए। इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको जाना है फॉन्ट में, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए साइज, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग का पार्ट। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। पर ये शीट अभी तक मैंने क्रिएट नहीं की है, शीट टू, इसको जाके क्रिएट कर देता हूँ। पहले
ये जो मैंने यहाँ पे शेप ली है इस पर मैंने माइक्रोज इनेबल कर रखे हैं, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। इसको बटन दबाइए तो ये जो यूज़र फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली हमारे सामने खुल जाता है। ये भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी सबमिट बटन, क्लोज बटन और सर्च बटन की कोडिंग कम्प्लीट कर लें, फिर इन द एंड ये सब ये जो शेप है इसको हम माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो हमारा ये जो शीट है, शीट नंबर 2, वो रेडी है डेटा फिल करने के लिए। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज़ नहीं होनी थी, यहाँ पे क्लोज़ होनी थी, और स्पेलिंग सेल्स के स्पेलिंग भी इनकरेक्ट है। दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे ये स्मॉल ले रखा है तो इसको भी मेरे को स्मॉल में ही लेना चाहिए।
दोस्तों इस कोडिंग में हमने डिक्लेयर क्या किया है, डिक्लेयर किया है कि वाई जो है वो है इस वर्कशीट की शीट नंबर 2, और एक्स को डिक्लेयर कर दिया हमने वाई की रेंज बी कॉलन पूरी रोज काउंट करे कहाँ तक, टिल द एंड, और एक्सेल अप का मतलब जो लास्ट वैल्यू है उससे एक ऊपर, और विद वाई के साथ क्या करना है, जो हमारी टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू है वो कहाँ पे जानी चाहिए, हमारी शीट 2 पे वो जानी चाहिए ए कॉलन पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सेल शीट में कहाँ पे ये वैल्यू जो है वो हमने सेव करवानी है, वो वैल्यू जो है वो हमारी इसमें आएगी। सिमिलरली अब हमने जो नेक्स्ट कोडिंग करनी है वो करनी है ऐसे ही इंक्रीमेंटल ऑर्डर में, कॉपी पेस्ट ही करेंगे, लेकिन जो वैल्यूज चेंज होंगी वो यहाँ पे सी डी ई एफ और जो यहाँ पे बॉक्सेस जो हैं वो चेंज होते रहेंगे 1 2 3। इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट, जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे हमारे यहाँ पे। जो नेक्स्ट जो हमारा जो डेटा है वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, वो है डेट पिकर, तो हम क्या करेंगे जो सी की वैल्यू होगी उसको इज इक्वल टू करेंगे डीटी पिकर 1। जो हमारा डी का डेटा है वो है हमारा ऑप्शनल बटन, तो ऑप्शनल बटन के लिए एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग होगी। जो है हमारा वो है टेक्स्ट बॉक्स, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, वैल्यू चेंज करेंगे हम यहाँ पे ई और टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे 3। सिमिलरली 2-3 हम आगे कॉपी कर देंगे क्योंकि आगे टेक्स्ट बॉक्स ही जा रहे हैं। और एक है हमारा कॉम्बो बॉक्स, पहले इनको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आना चाहिए एफ टेक्स्ट बॉक्स 4 कॉपी पेस्ट टेक्स्ट बॉक्स 5 यहाँ पे आना चाहिए जी। अब है हमारा कॉम्बो बॉक्स,
कॉम्बो बॉक्स 1 और ये है हमारा एच वैल्यू पे। ये हमारा होना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 6, ये जाना चाहिए 5 पे। दोस्तों पहले ऐसा करते हैं, एक एंट्री करके देख लेते हैं कि इतनी जो प्रोग्रामिंग या कोडिंग हुई है वो करेक्ट है या नहीं। एक फेक एंट्री करके देखेंगे, इसको एंड कर देते हैं अब। एंड विद यहाँ पे हमने रीनेम नहीं किया है, उसको रीनेम करना है अभी। आई थिंक वो मिसप्लेस हो गया है। और ये वैल्यू जो है अब अभी तक हमने नहीं फिल नहीं की है। जैसे हम सबमिट करेंगे ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना चाहिए शीट नंबर 2 के। जैसे हम सबमिट बटन अब प्रेस करते हैं तो कोई एरर आ गया है। यहाँ पे शीट की बजाय शीट्स की बजाय शीट होना चाहिए। इसको दोबारा रन करते हैं। देखिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोडिंग सही हुई है, तो ये इतना जो हमने फिल किया हुआ ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव होना चाहिए। ओके, जो वाई है इसको हमको एज अ वर्कशीट डिक्लेयर करना है। ट्राई करते हैं कि ये अब सक्सेसफुल हो रहा है सेव करने में या नहीं। यहाँ पे शीट्स आना चाहिए, अभी ट्राई करते हैं इसको। ये जो वैल्यू है वो हमने सही नहीं भरी है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। अभी ट्राई करके देखते हैं। इसको आप यहां से भी जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है वर्डिंग जो है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शनली ऑप्शन बटन होना चाहिए।
पीछे देखिए वेंट्रीज जो है वो रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं, इट मीन्स कोडिंग जो इतनी अब तक की हुई कोडिंग है वो वहाँ पे सेव हो रही है। इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये पॉपुलेट कर रहा है हमारी शीट को। देखिए ये जो डेट है इसको आपको क्या करना है, इसको सही फॉर्मेट में लेकर आना है। इसको सही फॉर्मेट में लाने के लिए आपको इसको कंप्लीट सी को जो है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको जो है वो शॉर्ट डेट सिलेक्ट करनी है। ये देखिए इसको सेव कर दीजिए ताकि वो जो फॉर्मेट है वो इस शीट में सेव हो जाए। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की कोडिंग को। अभी कॉन्फ़िगर करते हैं क्लोज बटन। सेव करेंगे, इसको ट्राई करके देखेंगे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैं क्लोज बटन दबाऊं तो ये जो फॉर्म है वो क्लोज हो जाना चाहिए, इट मीन्स ये काम कर रहा है। अभी जो हमको कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो हम करते हैं स्पिन बटन की। स्पिन बटन पे जाएं, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे जाएं और यहाँ पे जो हमको वैल्यूज़ डिफ़ाइन करनी है मिनिमम वो है 18, मैक्सिमम होनी चाहिए 35। स्पिन बटन पे अगर हम अप डाउन प्रेस करेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 35 तक जानी चाहिए, जो मिनिमम वैल्यू है वो 18 जानी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट हमको क्या करना है कि जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी वैल्यू भी हमको 18 ही डिफाइन करनी है। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है इसकी 18 आ गई है। अब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है। फिर लिखेंगे हम टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्पिन बटन ये चीज़ हमको यूज़र फॉर्म इनिशियलाइजेशन पे भी डिक्लेयर करनी है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अप डाउन मैक्सिमम वैल्यू इसकी जा रही है 35, लोएस्ट वैल्यू जा रही है 18, इट मीन्स ये वर्क कर रहा है।